हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दुबे जी की गाड़ी में और मेरा नाम है अनुराग दुबे। क्या आप जानते हैं रैपिड राइडर स्कॉडा के लिए एक ऐसा सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना जिसकी वजह से स्कॉडा को उसकी बुकिंग तक क्लोज करनी पड़ी। इसी सक्सेस को देखते हुए स्कॉडा ने रैपिड राइडर प्लस वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है। इसके प्राइसेस की वजह से ये एक और शानदार प्रोडक्ट टाटा नेक्सॉन के XM वेरिएंट से मुकाबले में आ जाती है। तो आज हम इन्हीं दोनों कार्स को कंपेयर करने वाले हैं। हम सबसे पहले इन वेरिएंट्स के प्राइसेस को देख लेते हैं क्योंकि कंपटीशन की शुरुआत वहीं से होती है। रैपिड राइडर प्लस 799,000 का मिलता है, वहीं नेक्सॉन XM 770,000 का। प्राइसेस में राइडर प्लस वेरिएंट 30,000 महंगा है नेक्सॉन XM से, लेकिन अब दूसरे पैरामीटर्स भी देखते हैं कि क्या रैपिड अपने इस 30,000 एक्स्ट्रा प्राइस को जस्टिफाई कर पाती है। हम इसके लिए पहले इनके डायमेंशंस को देख लेते हैं। तो डायमेंशन में लेंथ, व्हील बेस, इन दो चीज़ों में रैपिड आगे निकल जाती है क्योंकि नेक्सॉन एक सब 4 मीटर SUV है जबकि रैपिड का लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है, लेकिन विथ और हाइट इन दो पैरामीटर्स में नेक्सॉन आगे निकलती है। बूट स्पेस की बात करें तो वहाँ पर रैपिड 460 लीटर के साथ नेक्सॉन के 350 लीटर से काफ़ी आगे चली जाती है। डायमेंशन में तो रैपिड आगे निकलती है, लेकिन अगर रियर सीट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे रैपिड पीछे रह जाती है, लेकिन फिर भी रैपिड का रियर सीट एक कंफर्टेबल जगह है। डायमेंशन के बाद हम इंजन की तरफ आते हैं। तो दोनों ही कार्स में आपको टर्बो इंजन मिलता है। रैपिड में आपको 1 लीटर का TSI इंजन मिलता है जो 110 PS की पावर और 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है जो 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज भी क्लेम करती है। वहीं दूसरी तरफ नेक्सॉन में 1.2 लीटर टर्बो इंजन मिलता है जो 120 PS की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क, लेकिन इसका माइलेज 17.4 किलोमीटर पर लीटर ही है। अगर हम इंजन की बात करें तो यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ काफ़ी हद तक एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन नेक्सॉन को पावर और टॉर्क में स्लाइट एडवांटेज है, वहीं माइलेज में रैपिड को मिलता है। यहाँ पर दोनों गाड़ियाँ लगभग बराबर ही हैं। अब हम इसके एक्सटीरियर की तरफ आते हैं कि एक्सटीरियर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो राइडर में आपको फुल व्हील कवर्स मिलते हैं, वही चीज़ आपको नेक्सॉन में मिलते हैं। अलॉय व्हील्स आपको दोनों में से किसी भी गाड़ी में नहीं मिलते हैं। बॉडी कलर के डोर हैंडल्स दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। बॉडी कलर बम्पर दोनों में मिलते हैं। नेक्सॉन SUV होने की वजह से उसमें क्लैडिंग्स भी मिलते हैं। वहीं रैपिड में आपको बी पिलर ब्लैक डॉट मिलता है, तो नेक्सॉन में आपको ABC तीनों पिलर ब्लैक डॉट मिलते हैं। वहीं रैपिड राइडर में आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, लेकिन नेक्सॉन में प्रोजेक्टर हेडलैम्प। नेक्सॉन में आपको LED DRL और रूफ रिल के फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो एक्सटीरियर की बात करें तो नेक्सॉन ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें आपको एक ज़्यादा कंप्लीट गाड़ी दिखती है। वहीं हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो नेक्सॉन इंडिया की पहली 5-स्टार रेटेड सेफ्टी कार है ग्लोबल NCAP के हिसाब से। रैपिड का अभी तक ग्लोबल NCAP ने टेस्ट तो नहीं किया है, लेकिन हम रैपिड से भी एक अच्छे स्कोर की उम्मीद कर सकते हैं। अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों गाड़ियों में ड्यूअल एयरबैग, ABS विथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर जैसे कॉमन सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, लेकिन सेफ्टी के फ्रंट में नेक्सॉन रैपिड से फीचर्स की लिस्ट में आगे निकल जाती है क्योंकि इसमें हिल होल्ड, रोल ओवर मिटिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। तो सेफ्टी के फ्रंट में भी नेक्सॉन आगे हैं, लेकिन अगर हम इंटीरियर या कम्फर्ट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर कहानी पलट जाती है। रैपिड राइडर में आपको चारों पावर विंडो मिलते हैं, नेक्सॉन में भी मिलते हैं, लेकिन राइडर में आपको 16 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन मिलता है जो नेक्सॉन में नहीं मिलता है। रैपिड में आपको क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है जो नेक्सॉन में मैनुअल AC है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। रैपिड राइडर में आपको रियर में भी पावर सॉकेट्स मिलते हैं जो नेक्सॉन में नहीं मिलते हैं। इवन आपको टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील मिलता है जिसके सामने नेक्सॉन आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग ऑफर करता है। अगर हम नेक्सॉन की स्पेशल फीचर की बात करें तो इसमें एक ही है जो है मल्टी ड्राइव मोड्स आपको मिल जाते हैं। तो ये तो थे फीचर्स की बात। तो जैसा आपने देखा एक्सटीरियर और सेफ्टी में नेक्सॉन आगे निकलती है, वहीं कंफर्ट फीचर्स में नेक्सॉन पीछे रह जाती है। अभी तक के हमारे कंपैरिजन के हिसाब से रैपिड को एडवांटेज मिल रहा है,
नेक्सॉन के ऊपर, लेकिन नेक्सॉन भी अपनी जगह पर एक अच्छी चॉइस है। कौन सी गाड़ी लेनी ये आपकी ज़रूरत के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको एक सिटी के लिए कार चाहिए या हाईवे पर आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो आपके लिए रैपिड एक ज़्यादा अच्छी चॉइस है। साथ ही में आपको एक बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है जो आपकी फैमिली के हिसाब के सभी सामान को अच्छी तरह से रख लेगा। लेकिन अगर आपको रोज़ ख़राब सड़कों पर चलना होता है या पहाड़ों में आप रहते हैं तो नेक्सॉन आपके लिए एक ज़्यादा अच्छी चॉइस है। नेक्सॉन में आपको थोड़े फीचर्स तो कम मिलेंगे लेकिन आपको ज़्यादा अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा जो आपको ख़राब सड़कों में काफ़ी मदद करेगा। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, अगर आपको हाईवे और सिटी में रोज़ चलना है तो रैपिड ज़्यादा अच्छा चॉइस है, लेकिन अगर आपको एक ख़राब सड़कों पर चलना है तो आप नेक्सॉन लीजिए। तो ये था मेरा कंपैरिजन वीडियो कि 8 लाख के बजट में आपके लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपके हिसाब से नेक्सॉन या रैपिड कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।